नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति। 127वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा के नजदीकी गांव दो कालूवाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चार दिवसीय क्रिकेट मैच का शुभारंभ अमिताभ पंवार कमांडेड एवं राजेंद्र बेनीवाल सरपंच दो कालूवाड़ा के सांधिया में हुआ। इस अवसर पर कमांडेड अमिताभ ने बताया कि यह मैच 25 दिसंबर को शुरू होकर 30 दिसंबर को फाइनल मैच के साथ बेस्ट बॉलर्स, बेस्ट विकेटकीपर, बेस्ट विजेता एवं उपविजेता टीम को पारितोषिक के तहत क्रिकेट सामग्री वितरित की जाएगी। एवं कमांडेड ने बताया कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और इस क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा करने पर सुनहरे अवसर मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, वह आजकल छोटे क्षेत्र से अच्छे खिलाड़ी निकलकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें सीमावर्ती इलाकों की सभी टीमों गुल्लूवली 40 केवाईडी, 34 केवाईडी, 25 केवाईडी, 3 पवाली, 2 कालूवाली, 14 बीडी, 17 केवाईडी खानूवाली, 12 केएनडी, 17 केएनडी, 20 बीडी, 365 हेड की टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर पीएस मीणा उप कमांडेड, ईश्वर सिंह एसी इंस्पेक्टर, अश्विनी इंस्पेक्टर, जी ब्रांच ताराचंद यादव, काफी संख्या में खिलाड़ी, ग्रामीण वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। बच्चों के लिए क्या फायदा रहे? डेट में इवन हमारे भारत सरकार का जोर है कि खेलो खेलो इंडिया। दूसरा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें बच्चों को एंकरेज करने के लिए बोलते हैं कि 5 मिनट और, यानी कि जो खेल है वो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सभी के लिए अपने जीवन की एक शैली में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे उसके शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है और उनका जो मन है और जो एक तरह से जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो इम्प्रूव होता है। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे गाँव के बच्चे हैं या युवक हैं उनमें जो प्रतिभा है वो बाहर आए, क्योंकि जब प्रतिभा गांव से निकलेगी तभी हमारे देश को भी इसका फायदा होगा। ये प्रतियोगिता कब से चल रही है, कब तक चलेगी? ये टूर्नामेंट आज से स्टार्ट किया है और हमारा 30 तारीख को इसका समापन होगा, जिसमें कि फाइनल मैच कराया जाएगा। और तब तक हमारी जो पूरे गांव से जो एक टीम बनेगी उसको भी हम उसके बाद स्पॉन्सर करके जहाँ जहाँ पर टूर्नामेंट खेलने जाएंगे उसमें इनको भागीदारी कराएंगे।